नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। सीमा हैदर इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। जी हां, सीमा हैदर, वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत चली आती हैं अपने प्रेम को लेकर। सचिन से इनका प्रेम इस कदर हो गया कि वो सात समुंदर पार भारत आ गए, वो भी बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी वीजा के। जी हां, पाकिस्तान और भारत के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं कि आप बिना वीजा और जो है पासपोर्ट के चले जाएं। अगर होते भी तो भी किसी दूसरे देश जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है। लेकिन सीमा हैदर का प्यार इतना ज्यादा हो गया कि वो सारी सीमाओं को लांघते हुए भारत आ गई। आपको बता दें, सीमा हैदर पहले सचिन से नेपाल में मिली थी। नेपाल बॉर्डर में दोनों जो की मुलाकात हुई, उसके बाद सीमा जो है पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान से 50 दिन बाद वो भारत आ जाती हैं, जिसके बाद सचिन जो है इनके साथ रहना शुरू कर देती हैं। वहीं हमारे जो है मीडिया कर्मी ने जब बातचीत की राकेश मोहन जी ने इनसे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बता दें। सीमा का कहना है कि उनके चार बच्चे हैं। वहीं ये बात जब सचिन से पूछी गई कि इनके चार बच्चे हैं और इतनी महंगाई में जो है चार बच्चे पाले नहीं जाते, तो आप कितने बच्चे करेंगे, क्या आपका बच्चे करने का मन है, तो सचिन का कहना है कि जी हाँ, वो दो बच्चे ज़रूर करेंगे। इतनी महंगाई हो, कुछ भी हो, मेरे उन्हें खुद पर विश्वास है, वो दो बच्चे करके पाल लेंगे। वहीं जब हमारे जो है पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतनी महंगाई में आखिर बच्चे पालेंगे कैसे, क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है और चार बच्चे इनके पहले से हैं सीमा जी के, और आप दो बच्चे करेंगे तो आखिर करेंगे, आप तो कमाते भी नहीं हैं, तो आखिर ये सब खर्चा चलेगा कैसे। तो सीमा हैदर कहती हैं कि गॉड इज ग्रेट, भगवान ने जो भी किया अच्छा किया है और कहीं ना कहीं कर लेंगे। जब पाकिस्तान में 120 रुपए किलो आटा है तब हम रह लेते हैं। तो वहीं सीमा उनसे पूछते हुए नजर आती हैं कि आप बताइए या भारत में कितना है, भारत में तो जो है महंगाई पाकिस्तान से कम है, तो हम आखिर अपने बच्चे क्यों नहीं पाल लेंगे। तो सचिन कहते हैं कि मुझ पर खुद पर भरोसा है, मैं अपने बच्चे ज़रूर पाल लूँगा। इन सब के बीच में क्या कुछ कहा सीमा ने और सचिन ने, आप खुद ही देखिए। एक साथ हैं, ठीक है, अब परिवार को आगे पहले से आपके, देखिए आपको बुरा लग सकता है लेकिन सत्य को झुठलाया भी नहीं जा सकता। जब आप कोर्ट जाएंगे तो ये बातें भी आपसे पूछी जाएंगी। अभी आपके चार बच्चे हैं, आप दोनों का अपना भविष्य है, पीछे बच्चे अभी मैम के आपके हैं सीमा जी, तो उन बच्चों के साथ इनके बच्चे अभी करने हैं या बस आपने मान लिया है कि वही बच्चे अब मेरे करेंगे? सर, एक तो करेंगे जरूर, एक तो करेंगे, तो टोटल छः बच्चे हो जाएंगे। इस महंगाई में कैसे पाल, मैं इतने अपने आप पर भरोसा करता हूँ कि मैं इन्हें पालूँ। पाकिस्तान में 185 रुपये आटा किलो है, तो वहाँ 10-10 बच्चे पाले जाते हैं। यहाँ कितने किलो है, यहाँ आटा कितने किलो है, यहाँ 25 रुपये किलो है आटा, तो क्या ये छः बच्चे नहीं पाल पाएंगे? सर, अजीब बात कर दी आप। नहीं, मैं बात अजीब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही पूछ रहा हूँ जो महंगाई है, ठीक है। देखा आपने, तो जिस तरह से सचिन जो है कमाते नहीं हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें खुद पर भरोसा है, वो चार बच्चे ये और अपने दो बच्चे जो खुद के ये करेंगे उनको पाल लेंगे। सीमा हैदर का कहना है कि 120 रुपए किलो जहां जो है पाकिस्तान में आटा है, तो भारत में तो महंगाई उससे भी कम है। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, भगवान ने जो किया है अच्छा किया है, गॉड इज़ ग्रेट, हम इनको भी पाल लेंगे। वहीं आपको बता दें कि सचिन अभी कुछ कमाते नहीं हैं, सचिन बेरोजगार हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि वो इनके चार बच्चे और अपने जो है दो बच्चे जो करेंगे उनको पाल लेंगे। इन सब के बीच में आपका क्या कहना है कि इतनी बेरोजगारी के बाद भी सचिन जो है चार बच्चे पाल लेंगे, आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।